हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवेज़ फ़ैन क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कानपुर सेंट्रल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और समय के साथ कानपुर सेंट्रल में क्या क्या बदलाव आए हैं उन बदलावों को भी देखेंगे। दोस्तों, कानपुर शहर जो कि गंगा के किनारे स्थित है, इसे इंडिया का 12th सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी माना जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यह सेकेंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है लखनऊ के बाद। कहा जाता है कि कानपुर शहर का नाम महाभारत के कर्ण के ऊपर पड़ा है। इसे पहले कर्णपुर कहा जाता था और ये भी कहा जाता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट राजा कान्हा देव ने की थी। कानपुर शहर को लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कानपुर सेंट्रल की रेलवे हिस्ट्री को। इंडिया में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई थी। और अगर बात की जाए कानपुर में रेलवे लाइन की, तो इंडिया की 4th लाइन जो कि इलाहाबाद से कानपुर के बीच में बिछाई गई थी। ट्रैक की टोटल लेंथ 180 किलोमीटर थी। ब्रिटिशर्स ने कानपुर की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस को देखते हुए निर्णय लिया कि इलाहाबाद से कानपुर के बीच में भी ट्रैक होना चाहिए। और 3 मार्च 1859 को पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर की ओर रवाना हुई, जो कि 10 डिब्बों की थी और पहली ट्रेन में ईंटें और कंकड़ डाल करके भेजा गया था। उस समय ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और आज के कानपुर के पास शताब्दी जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स भी हैं। कानपुर सेंट्रल इंडिया के बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से है। इंडिया में केवल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं। पहला त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन, दूसरा मैंगलोर सेंट्रल, तीसरा चेन्नई सेंट्रल, चौथा मुंबई सेंट्रल और 5वां कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल में लगभग 2 लाख यात्री डेली ट्रैवल करते हैं। कानपुर सेंट्रल में कुल 8 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं, जिसमें से 2 लाख यात्री तो डेली पैसेंजर्स हैं। कानपुर सेंट्रल में लगभग 400 ट्रेन्स डेली आती जाती हैं। इसे सेंट्रल स्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई लाइनें जुड़ती हैं। कानपुर सेंट्रल हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन को कनेक्ट करता है। तो चलिए कुछ रूट्स को देख लेते हैं जो कि कानपुर सेंट्रल से होके गुजरते हैं या कानपुर सेंट्रल से शुरू होते हैं। हमारा पहला मेन रूट है हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन, दूसरा रूट है कानपुर लखनऊ रूट, तीसरा मेन रूट है कानपुर नई दिल्ली मेन रूट, चौथा मेन रूट है हमारा कानपुर से आगरा वाया टुंडला, चौथा मेन रूट है कानपुर से मुगलसराय वाया इलाहाबाद, 5वां मेन रूट है हमारा कानपुर से इलाहाबाद वाया उन्नाव डालामऊ, हमारा 6ठा मेन रूट है गोविंदपुरी भीमसेन से झांसी की ओर, 7वां मेन रूट है कानपुर से बांदा की ओर वाया गोंदिया, 8वां मेन रूट है कानपुर से फर्रुखाबाद वाया कासगंज, हमारा 9वां मेन रूट है कानपुर से इलाहाबाद वाया फतेहपुर, हमारा 10वां रूट है कानपुर से शाहजहांपुर वाया सीतापुर बालामऊ। 1859 में पहली ट्रेन के आने के बाद कानपुर की औद्योगिक स्थिति काफ़ी सुधर गई और शहर में काफ़ी बदलाव आए। कानपुर काफ़ी जल्दी डेवलप हुआ और 1920 में कानपुर सेंट्रल की न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसको लखनऊ के चार बाग जैसा बनाने की कोशिश की गई है। 1859 से 1875 तक कानपुर की 50 लाख से ज़्यादा ईयरली इनकम हो जाती थी बिजनेस के थ्रू, जो कि आज के समय में 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। कानपुर शहर की डेवलपमेंट में रेलवे लाइन का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। 1860 में कानपुर को रेलवे के थ्रू बॉम्बे से जोड़ा गया, 1875 में कानपुर लखनऊ से जुड़ा, 1886 में कानपुर झांसी रूट तैयार हुआ, जिससे कानपुर का व्यापार और तेज़ हो गया था। 1894 में कानपुर से ऐश भाग जो कि लखनऊ में है वहां तक मीटर गेज लाइन कंस्ट्रक्ट की गई, ताकि ऐश भाग से बरेली बाराबंकी रूट को कानपुर से कनेक्टिविटी दी जा सके। 1897 में पहली गुड्स ट्रेन कानपुर से ऐशबाग होते हुए बाराबंकी की तरफ गई, जो कि एक मीटर गेज ट्रेन थी। कानपुर में मीटर गेज ट्रेन्स का ओरिजिनेटिंग स्टेशन कानपुर अनवरगंज को बनाया गया था। अनवरगंज से कासगंज फर्रुखाबाद होते हुए मथुरा तक मीटर गेज ट्रेन्स थी। कानपुर के पास ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों ही ट्रेन्स की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी थी। 1943 में कानपुर बुढ़वाल सेक्शन को कानपुर बाराबंकी सेक्शन भी कहा जाने लगा। कानपुर से बिठूर तक भी
मीटर गेज ट्रेन का एक शॉर्ट रूट हुआ करता था। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि कानपुर में एक समय में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स का भी यूज़ होता था। नए कानपुर सेंट्रल के बनने के समय कानपुर के सरसैया घाट से लेकर पुराने कानपुर स्टेशन तक, जिसे कौनपुर भी कहा जाता था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ट्रैम ट्रेन चला करती थी। कानपुर अनवरगंज में मीटर गेज ट्रेन्स 2005 तक देखी गई हैं। 2006 में कानपुर सेंट्रल से लखनऊ के बीच चलने वाली मीटर गेज ट्रेन को बंद कर दिया गया और 2008 में कासगंज फरुखाबाद मथुरा रूट को भी ब्रॉड गेज कर दिया गया। अगर बात की जाए कानपुर सेंट्रल के इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो 5 अगस्त 1976 को कानपुर न्यू दिल्ली सेक्शन को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था। और आज के समय में देखा जाए तो कानपुर सेंट्रल के पास 42 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ओरिजिनेटिंग स्टेशन एंड टर्मिनेटिंग स्टेशन कानपुर है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 10 प्लेटफॉर्म्स का है। कानपुर सेंट्रल में रिटायरिंग रूम अवेलेबल है, एसिंग वेटिंग हॉल अवेलेबल है, स्लीपर क्लास वेटिंग हॉल अवेलेबल है। रिक्वेस्ट करने पर पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स भी कानपुर सेंट्रल में अवेलेबल हैं। कानपुर सेंट्रल में डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं और जनरल वेटिंग हॉल्स भी अवेलेबल हैं। यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज की सुविधा दी गई है। स्टेशन में लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। कानपुर सेंट्रल की लाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है। प्लेटफॉर्म्स को अंडर पास के थ्रू कनेक्टिविटी दी गई है, जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ड्रिंकिंग वाटर ईजिली अवेलेबल करवाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग रेलवे के बड़े अधिकारियों द्वारा की जाती है। रिजर्वेशन करवाने के लिए टोकन सिस्टम रखा गया है, ताकि यात्रियों को लाइन लगाने की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। हर प्लेटफॉर्म में कोच इंडक्शन यूनिट्स लगाई गई हैं, ताकि लोग आने वाली ट्रेन के ट्रेन नंबर और कोच पोजीशन को पहले से ही चेक कर सकें। कानपुर सेंट्रल इंडिया के बिजीएस्ट स्टेशन में से एक है और ये काफ़ी रूट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसमें यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना और मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना काफ़ी आवश्यक है। कानपुर को आज भी कई लोग कौनपुर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री कानपुर सेंट्रल के बारे में। और अगर आपने कभी कानपुर सेंट्रल के थ्रू ट्रैवल किया है या किसी ट्रेन से आपने कानपुर सेंट्रल क्रॉस किया है, तो आपका कानपुर सेंट्रल के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। आपका कानपुर सेंट्रल की फैसिलिटीज़ के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में क्या रिव्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूलें। तो हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।